नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, 8 जनवरी 2020 को यूपी टेट का जो पेपर हुआ है, जूनियर टेट का, हम लोग सामाजिक अध्ययन का आंसर की देखेंगे। यह सेट ए है, तो चलिए शुरू करते हैं सामाजिक अध्ययन का आंसर की। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। आरामबाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, बाबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड जो है, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन 93। अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड जो है, कलहट। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी कि सानी की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा जो है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। तो राजा राम मोहन राय का संबंध जो है वह है ब्रह्म समाज से, और विवेकानंद का संबंध है रामकृष्ण मिशन से, और दयानंद सरस्वती का संबंध है आर्य समाज से, एम जी रानाडे का संबंध है प्रार्थना समाज से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है, चौथा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा जो है, मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है, चौथा, चंद्रगुप्त के शासन काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है देखते हैं 98। पुष्यभूत राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है, थर्ड जो है, नरवर्धन। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? तो यह है कायत संस्कृति, ऑप्शन दूसरा जो है, सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था? तो यह विभक्त था 16 महाजनपद व गणराज्यों में, ऑप्शन चौथा जो है, सही हो जाएगा इसका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूपों यानी कि बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो यह है पवन, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो यह है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। अगला क्वेश्चन है पूर्ववर्ती नदी है? तो यह है सतलज, ऑप्शन चौथा जो है, सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं? तो कहते हैं इसको पपड़ी यानी कि क्रस्ट, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? तो गर्म जल धारा है क्यूरोशियो धारा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो यह है जल परिवहन, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा इसका। अगला है गोदावरी नदी निकलती है? तो यह निकलती है नासिक जिले से, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा इसका। अगला है स्वेज नहर जोड़ती है? तो यह जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा या से ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियाँ हैं? तो यह है बादल युक्त आकाश, यह भी शांत एवं स्थिर वायु, यह भी सही है, और लंबे ग्रीष्मकालीन दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही, ए बी व सी। अगला है मेघालय का पठार विस्तार है? तो यह है प्रायद्वीपी पठार का। नेक्स्ट है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो यह थे डॉक्टर बी एन राव, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो यह है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? तो यह लाया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1959 में, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो यह है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, दूसरा ए बी व सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? तो यह की गई केंद्र को, ऑप्शन थर्ड जो है सही हो जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 2019 में किस देश में गए थे? तो गए थे फ्रांस में, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 34 है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा इसका। अगला है लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? तो यह हुआ नवंबर 2014 में, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा इसका। अगला उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा जो है, नवीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, विटामिन व खनिज लौंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो यह है उबालना, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा इसका। अगला, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा जो है, प्रोटीन के पाचन में। अगला है, चेचक के विषाणु का नाम बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा जो है, वेरियोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, रोगी के पानी में डूबने पर सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपोषणी विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किस में की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है चौथा, मानव विकास रिपोर्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा जो है, डॉल्फिन गैंगेटिका को, ऑप्शन दो सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, 1980 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा जो है, नाइट्रोजन, ये हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। नेक्स्ट है 130 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा जो है, कीटनाशक रसायन। नेक्स्ट है, अरहर की संकर किस्म है? तो देखते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ICPL 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 132 देखते हैं, निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है दूसरा, मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। अगला है, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं? तो यह है किचन गार्डनिंग, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा इसका। अगला है, मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है पहला, 2.85 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगला है क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं, निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो यह अपनाई जाती है कंटूर विधि, यानी कि समोच्च, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं, सिलाई मशीन कब भारी चलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा जो है, तेल की कमी तथा सफाई नहीं हो करने पर। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है, ऑस्टियोपोरोसिस सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है दूसरा, ग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ योजना पद्धति प्रचलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना विधि आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा, करके सीखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है पहला, 15। नेक्स्ट है, वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन है? तो यह है बंकिम चंद चटर्जी, ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरव का गायन समय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है चौथा, प्रातःकाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 144 देखते हैं, सामान्य मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात जो है वह होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है थर्ड, 10:1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 145 देखते हैं, विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षिक अनुपात को कहते हैं? तो यह है मृदा कणाकार, ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो यह है LTS, CTS और FOTS, ऑप्शन जो है दो सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 147, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? तो यह है पुलेला गोपीचंद, ऑप्शन दो जो है सही हो जाएगा, इनको 2000 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है दूसरा, मनोरंजन जो है वह 8 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन जो है थर्ड, वज्रासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
जो है ऑप्शन पहला मणिपुर। तो ये था कुल 60 प्रश्न सामाजिक अध्ययन के। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल एग्जाम लर्नर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।